नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं रात 24 न्यूज़। दोस्तों, इस समय हम हैं गाजीपुर जनपद के सरजू पांडे पार्क में और हम आपको बता दें कि किस प्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्या सज़ा मिल रही है और अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। विगत वर्ष जून माह में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई उन दहेज लोभियों द्वारा, लेकिन आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना। हमारे साथ में है प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल जी, जो कि आज यहां पर आए हुए थे यहां के एसपी श्री रामबदन जी से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ इसी विषय पर हम उनसे चर्चा करेंगे। बोधा जी, आप बताएं क्या मामला है पूरा? मामला है कि 5 जून 2021 को हत्या हुई जी। हत्या होने के बाद हत्यारोपी 4 के नाम से FIR हुआ जी। उसके पति आशुतोष जायसवाल की गिरफ्तारी हुई जी। और वो आज तक जेल में बंद है। शेष हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। हम लोग इस संबंध में 3 बार अनशन किए, 5 जुलाई को अनशन किए, फिर 20 अगस्त को अनशन किए, 1 सितंबर को अनशन किए, फिर 5 दिसंबर को जंतर मंतर में अनशन हुआ। लेकिन मैंने 5 जुलाई को श्रीमान जी के, जो पुलिस अधीक्षक महोदय वर्तमान आए हुए हैं, 5 जुलाई को मैं जंतर मंतर जा रहा था, तो श्रीमान जी ने मुझे तलब किया और कहा कि आप जंतर मंतर मत जाइए जायसवाल जी, समाजसेवी जी, मैं न्याय दूंगा। उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी हत्यारोपियों की। यदि 10 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हो रही तो मैं आपसे अधिकतम 2 महीने का समय ले रहा हूँ। 5 जनवरी तक यदि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई या उनके खिलाफ यदि वो नहीं मिल रहे हैं, भूमिगत हो गए हैं, तो उनके खिलाफ 5 जनवरी तक कुर्की नीलामी हो जाएगी। यदि नहीं होगी तो 5 जनवरी को हमारे यहाँ आके सलामी ठोकिएगा। तो आज 5 जनवरी है, मैं श्रीमान जी के कार्यालय आया मिलने के लिए, न वो मिले और न तो एडिशनल SP साहब मिले। मैं सरकार के, जो भी सरकार कह रही है उसी के अनुसार चल रहा हूँ, केवल आदेश पर आदेश मिल रहा है। आज जो है मृतक आशा जायसवाल को हत्या हुए 7 महीना हो गया, लेकिन 7 महीने में गिरफ्तारी नहीं हुई, यही सरकार की अधिकारियों की उपलब्धि है। क्या मतलब, क्या समस्या है? 7 महीने हो गए हैं, अब तक गिरफ्तारी क्या, ये लोग क्या बता रहे हैं आपको? भाई, स्कोर तो यही निकल रहा है कि धन पशु है जी। यदि मान लीजिए नहीं गिरफ्तारी हो रही है तो उसका मधु तरंग होटल को सीज करें, मत गिरफ्तारी करें। यानी कुल मिलाकर के कमीशन, ये पैसा बोलता है, पैसा की वजह से ही अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आशंकाएं तो यही व्यक्त की जा रही है ना, जब गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसके होटल नहीं सीज हो रहे हैं और 21 पन्ने का चार्जशीट पेश की गई 302 में, अच्छा, उसे नहीं माना गया, पुनः चार्जशीट पेश करने के दिया गया, तो पुलिस द्वारा 1.5 पन्ने की चार्जशीट पेश की जा रही है। फिर न्यायालय ने उससे कहा कि 1.5 पन्ने की चार्जशीट कौन सी होती, मैं 21 पन्ने का रिटर्न दिया हूँ, तो पुनः फिर चार्जशीट बन रही, उसको हाईकोर्ट से बेल नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब, वो बेल का कागज दिखा दे, मैं कोई आवाज नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब बेल नहीं हो पा रही 7 महीने से, सरकार क्या कर रही है? 302 के मुलजिम को नहीं गिरफ्तार कर रही, अभी कोई माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आवाज उठा दे, कोई अभद्र टिप्पणी कर दे, तो उसको कहीं वो पाताल में होगा, उसे ढूंढ लाएंगे। लेकिन ये गाजीपुर जनपद में 302 का हत्यारोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया, 7 महीने का दिन हो गया, तो कहां से बहन बेटी सुरक्षित है, कहां से उसको न्याय मिलेगा, कोई क्या आवाज उठाएगा? देखिए, इनकी ये पीड़ा है। अब तक जो भी है, यहाँ के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने मधुर तरंग होटल के मालिक उदय प्रताप जायसवाल को, जो कि दोष साबित भी हो चुका है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी न्याय नहीं मिलता है तो क्या होता है? अच्छा, ये बताइए आप कि अब आगे की आप क्या रणनीति करने वाले हैं? अभी तक तो पुलिस प्रशासन ने जो भी, गिरफ्तारी भी नहीं हुई, कप्तान साहब ने जो भी बोला था आपको, आज ये 5 जनवरी का डेट भी खत्म हो गया, तो आप क्या करने वाले हैं? 19 दिसंबर को मृतक आशा जायसवाल का भाई बबलू जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, श्री अरविंद जायसवाल ने जंतर मंतर दिल्ली में अनशन किया, माननीय प्रधानमंत्री को पत्र सौंपा, माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्रक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आया, वहाँ से गाजीपुर द्वारा निस्तारण किया जा रहा है, कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ NPW हो गया है,
82 की कार्रवाई हो चुकी है, 83 करके कुड़ की नीलामी करनी है, लेकिन उसमें डेली हेरा फेरी की जा रही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धोखा में दिया जा रहा है, तो हम तो आम जनता हैं। यदि उनके पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अभी सूचना मिली है उनके भाई 9 जनवरी को जंतर मंतर में आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। जो उनकी कहना है कि जब तक तो मेरी बहन को न्याय नहीं मिलेगा, मैं मरते दम तक अपनी बहन की लड़ाई लड़ूंगा। यदि किसी भी बहन को भाई मिले तो बबलू जायसवाल जैसा, धर्मेंद्र जायसवाल जैसा, अरविंद जायसवाल जैसा, क्योंकि भारत है, भारत में एक भाई बहन का ऐसा प्यार है जिसे बबलू जायसवाल निभा रहे हैं, इसलिए भारत की एक गाथा गाई जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से न्याय मिलेगा आपको? हाँ, न्याय तो मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन अभी जितना धन पशु का पैसा चूस रहे हैं, न्याय तो मिलना है। जब हाई कोर्ट नहीं बेल दे रही है, यहाँ न्यायालय से खारिज हो चुका है, तो न्याय तो मिलेगा। यदि सरकार को शंका है तो सीबीआई जांच करा के देख ले, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया गया, प्रार्थना पत्र दिया गया है, अभी संज्ञान नहीं ले रही है। इसी तरह और भी हत्याएं हो सकती हैं, यदि ऐसा यदि कार्रवाई करते हैं तो अन्य हत्याओं पर अड़ंगा लगता है। निर्दोष जैसे न्यायालय का, मैं न्यायालय के संबंध में बोलना चाह रहा हूं, हर न्यायालय की समय सीमा निर्धारित करें। जैसे मान लीजिए तहसील का 2 साल चले मुकदमा, जिले में 2 साल चले, कमिश्नरी में 2 साल चले, हाई कोर्ट में 2 साल चले, सुप्रीम कोर्ट 2 साल चले, तो 10 साल के अंदर जो भी अपराधी है उसे सजा मिल जाएगी। जमीनी विवाद है उसका 8-10 साल में निस्तारण हो जाता है, लेकिन एक ही न्यायालय में 20 साल 30 साल 40 साल मुकदमा लड़ते लड़ते आदमी मर जाता है, केवल किराया लगा कर आता है, फीस देता फिर चला जाता है। इसी तरह कई करोड़ों मुकदमा पेंडिंग में है, इसके लिए सरकार विचार करे, कानून मंत्री विचार करें, इस पर जो भी है प्रावधान पास करें। देखिए, बोधा जी ने एक बहुत बड़ी और अच्छी बात कहा है कि जिस प्रकार से मामला न्यायालय में जाने के बाद 10 साल 20 साल 25 साल 500 साल तक लग जाते हैं और न्याय मिलने में इतना समय, तो सरकार को ऐसे कुछ कानून बनाने चाहिए कि जो इतने विलंब समय, इतने लंबे समय लगते हैं, तो ऐसे समय न लगें और इस प्रकार से लोगों के साथ न्याय मिल सके। जैसे हत्या होती है, आम आदमी यहाँ से नहीं तो हाई कोर्ट से 1-2 लाख खर्चा करके जमानत करा लेता है, जमानत करा के घूमता है फिरता है और मर जाता है तो न्यायालय से फैसला आता है, उसकी कागज फाइल बंद कर दी जाती है, लेकिन जीते जी जल्दी नहीं फैसला होता है, क्योंकि पैसे का फेरा है, तारीख पर तारीख चलती है, और जिसकी हत्या हुई रहती है वो बेचारे नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि नामजद FIR करने के बाद भी उसे सजा नहीं मिल पाती है, यही न्यायालय की रणनीति है। चलिए ठीक है, बोधा जी आपने इतना समय दिया RAT24 News के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इतना शेयर करें कि आशा जायसवाल के हत्यारे जल्द से जल्द गिरफ्तार हों और आशा जायसवाल के परिवार के साथ और प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता बोधा जायसवाल के साथ न्याय हो सके। धन्यवाद दोस्तों।